नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपने YouTube चैनल मैथ्स एजुकेशन पर। आज की जो इस वीडियो पर हम चर्चा करेंगे छत्तीसगढ़ के आर्थिक सर्वेक्षण पर, जो आपके सकल राज्य घरेलू उत्पाद से डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर आप CGPSC प्री के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, व्यापम की तैयारी कर रहे हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप यहां से देख के जाइएगा। अगर पहली बार आए हमारे YouTube चैनल पर, पहली बार जो नए आए हैं, तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब करके जाना, और जो हमारे पुराने विद्यार्थी हैं वो वीडियो को शेयर करना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास छत्तीसगढ़ करंट अफेयर, जिसमें CGPSC प्री का जो एग्जाम 11 फरवरी को होने वाली है और ये वीडियो आपका 9 फरवरी का है, यानी कि अंतिम एक दिन बचा हुआ है। तो आप सरसरी निगाहों से इस वीडियो को देख के जाना बस, ठीक है, जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट अगर क्वेश्चन आते हैं तो बन सकते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा लंबा नहीं रहेगा वीडियो, ज़्यादा नहीं रहेगा, छोटा सा रहेगा, तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और जो व्यापम जैसे हॉस्टल वार्डन, CG व्यापम जैसे शिक्षक भर्ती, पुलिस भर्ती, जितने भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक बार सरसरी निगाहों से इस वीडियो को देख के अवश्य जाइएगा। तो चलिए जल्दी से हम देखते हैं छत्तीसगढ़ के इस आर्थिक सर्वेक्षण का, जो आपके डायरेक्ट एग्जाम क्वेश्चन बन सकते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर स्थिर भाव, सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर भाव पर डायरेक्ट अगर एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आपकी स्क्रीन पर ये रहा, देखेंगे तो छत्तीसगढ़ सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP में स्थिर भाव में अगर पूछा जाए औसत वृद्धि दर, तो औसत वृद्धि दर आप याद रखना 5.73%, ये आप याद रखना अगर औसत दर पूछा जाए तब की बात। और यहाँ पर सर्वाधिक वृद्धि दर पूछा जाए तो 2016-17 12.13%। जी याद रखने पर नोट करेंगे सरसरी निगाहों से कि सर्वाधिक वृद्धि दर 2016-17 में 12.13%, जबकि न्यूनतम वृद्धि दर के बारे में बात करें तो आपका 2020-21 न्यूनतम वृद्धि दर 2020-21 जो आपको -1.80%। अगर औसत वृद्धि दर की बात करें तो 2012-13 से ही एग्जाम पूछेगा, अगर औसत दर की बात करें तो 2012-13 से 2022-23 के अब की डेट में हम बात करते हैं 5.73%। जी ठीक है, अब देखेंगे छत्तीसगढ़ राज्य के उद्योग समूह में स्थिर भाव पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2022-23 से, जो कृषि के लिए याद रखना संभावित भागीदारी प्रतिशत पहले देखेंगे, उसके बाद संभावित वृद्धि दर प्रतिशत देखेंगे, ठीक है, नोट करते चलेंगे या फिर सरसरी निगाहों से दिमाग में याद जरूर करेंगे। चलिए वीडियो पर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक करके जाना है ना, और जो हमारे पुराने विद्यार्थी हैं तो वीडियो को जरूर शेयर करना। तो छत्तीसगढ़ राज्य का सकल घरेलू उत्पाद हम देखेंगे जो उत्पादित है, जिसमें कृषि में संभावित दर आपका 16.91%, जबकि उद्योग का 49.88%, सेवा में 33.21%। क्या पूछा है? संभावित, जबकि ये आपको भागीदारी प्रतिशत है, अब हम बताएंगे आपको संभावित वृद्धि दर प्रतिशत। तो जैसे कि आपकी स्क्रीन फिर से शो कर रहा होगा, संभावित वृद्धि दर कृषि के लिए 5.93%, उद्योग के लिए 7.83%, सेवा के लिए 9.21%। अब उसके बाद सकल राज्य घरेलू उत्पाद में GSDP में संभावित वृद्धि दर क्षेत्र में स्थिर भाव पर देखेंगे, वृद्धि दर पूछा गया। अभी हमने क्या देखा? सकल राज्य घरेलू उत्पाद समूह स्थिर में क्या देखा? राज्य का उद्योग देखे। अब क्या देख रहे हैं? राज्य सकल राज्य घरेलू उत्पाद में संभावित क्षेत्र में वृद्धि दर देखेंगे। तो देखेंगे आप सभी को याद होगा कि जो वृद्धि दर है 2012-13 से 2022-23 में औसत वृद्धि दर, बस याद रखना है आपको कौन सा औसत वृद्धि दर, जिसमें कृषि के लिए 5.31%, उद्योग के लिए 6.34%, सेवा के लिए 5.37, ठीक है। तो ये बस याद रखना है, बाकी लंबा कुछ याद नहीं रखना है जी, ठीक है। तो देखेंगे फिर से एक बार सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP में संभावित क्षेत्र में वृद्धि दर अगर एग्जाम में पूछा जाए, तो आप कहेंगे 2012-13 से 2022-23 में कृषि के लिए पूछा जाए 5.31%, उद्योग के लिए 6.34%, उसी प्रकार सेवा के लिए 5.37%। बस आपको आंकड़े याद रखने हैं और कुछ नहीं, बस अगर डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आपको आंकड़े याद रख के जाना है और डायरेक्ट टिक लगा के आना है, ठीक है। तो CGPSC प्री के एग्जाम आप सभी को 11 फरवरी को होने वाला है, तो आप सभी पेपर अच्छे से बनाइएगा।
ठीक है। और वीडियो में अगर कहीं अगर दिक्कत आती, कहीं प्रॉब्लम है, अगर कहीं आपको समझ में ना आया हो तो वीडियो में कमेंट करके आप लोग कह सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो आप लोग कौन से सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहती है ये भी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं जी। फिर आज के लिए।